आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कोरोना काल में दिवंगत हुई मृत आत्माओं को नगर हिंदू संगठन ने दी श्रद्धांजलि। बड़वाहा, बीते 1.5 साल कोरोना काल में नगर की अनेक विभूतियां असमय मौत का शिकार हो गई, जिनके निधन से उनके परिवार पर तो वज्रपात हुआ ही, किंतु सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी अपूर्णीय क्षति को भुलाया नहीं जा सकेगा। इन्हीं दिवंगत लोगों की स्मृति स्वरूप नगर हिंदू संगठन द्वारा शनिवार को एक श्रद्धांजलि का आयोजन नागेश्वर मंदिर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में किया गया, जिसमें पंडित अखिलेश गौतम ने दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए विश्व शांति पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप एवं भजन कीर्तन का पाठ किया। संगठन के सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि स्वरूप कहा कि कोरोना काल में अनेक ऐसे लोग भी दिव्य ज्योति में विलीन हो गए, जो नगर हिंदू संगठन और अन्य धार्मिक और सामाजिक संगठनों को हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग देते रहे, जिनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। इस दौरान नगर हिंदू संगठन अध्यक्ष मनीष शर्मा, नरेंद्र गर्ग, दीपक पाटीदार, सुधीर सेंगर, कमल व्यास, संजय मूथा, रत्नाकर निम्भोरकर, रोमेश विजयवर्गी, भुवनेश सेंगर, महेंद्र अमई, लखन गड़गोती, शंकर बाबा, राहुल गुप्ता, विशाल राठौड़, पंकज पाठक, पवन सिंगल आदि ने भगवान भोलेनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। कोरोना काल में नगर के अनेक वो विभूतियां जो असमय ही दिव्य ज्योति में लीन हो गई कोरोना के कारण, उन सभी की आत्म शांति के लिए आज हमने नगर हिंदू संगठन की ओर से एक विश्व शांति पाठ एवं मौन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, जिसमें नगर हिंदू संगठन के सभी सदस्यों ने मिलकर उन्हें मौन श्रद्धांजलि दी और भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति।